हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर इलास्टिसिटी के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम सबसे पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कोई एक ऐसा सा अरेंजमेंट है जिसमें एक स्टील वायर और एक ब्रास वायर लगाया गया है और दो मासेस लगाए गए हैं, ठीक है। तो हमें बतलाना है कि जब ये लोडेड होंगे, जब इन पे लोडिंग डाली जाएगी, तो इनमें जो इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन मतलब हमें क्या बतलाना है, डेल्टा एल की वैल्यू बतलानी है दोनों में। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास न्यूमेरिकल आए तो गिवन वैल्यूज को क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। तो भाई साहब करते हैं गिवन वैल्यूज को, लेकिन यहां पे एक तो है हमारा स्टील और दूसरा है हमारा ब्रास, तो आप दोनों के वैल्यूज को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो स्टील वायर का लेंथ यहां पे दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो लेंथ ऑफ स्टील हम लिख देंगे 1.5 मीटर, और ब्रास वायर का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, तो लेंथ ऑफ ब्रास हम लिख देंगे 1 मीटर। यंग्स मॉडुलस भी गिवन है क्वेश्चन में, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो है वो है 2 × 10⁻¹¹, और यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास जो है वो 0.91 × 10⁻¹¹ है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप पढ़ें तो कुछ भी नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पे डायमीटर की बात की गई है, और अगर डायमीटर दोनों का ही डायमीटर क्या है, सेम है, तो अगर आप डायमीटर को एरिया में कन्वर्ट करना चाहें तो हम एरिया इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, पाई डी स्क्वायर बाई 4। लेकिन ये जो डायमीटर है, आप डायमीटर स्टील अगर लिखेंगे तो ये 0.25 × 10⁻², और अगर आप डायमीटर ब्रास लिखेंगे तो 0.25 × 10⁻²। और क्या करना है, और आपको ये करना है कि एरिया निकाल लेना है, तो एरिया ऑफ स्टील जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई इंटू 0.25 × 10⁻²² का होल स्क्वायर बाई 4, और एरिया ऑफ ब्रास वायर अगर निकाल लेंगे तो पाई इंटू 0.25 × 10⁻²² का होल स्क्वायर बाई 4। तो यहां पे बेसिकली क्या है, यहां पे आपको दोनों की एरिया जो है वो सेम है। निकालना क्या है, एलोंगेशन। तो अगर आप बात करें डेल्टा एल स्टील की, तो डेल्टा एल स्टील निकालने के लिए आपको सबसे पहले यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। गलत लिख दिया फॉर्मूला, बचपन से पढ़ते आ रहे फिर भी गलत। तो यहां पर हमें क्या करना है, यंग्स मॉडुलस का सही सा फॉर्मूला लिख लेना है। क्या लिख लेना है, गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा एल को एक तरफ और बाकी सारे चीजों को एक तरफ, और यहां पे आप अगर सारी वैल्यूज पुट कर दें। अब यहां समझना है कि जब आप स्टील के इलोंगेशन की बात कर रहे हैं तो स्टील पे ये 4 kg भी लटक रहा है और ये 6 kg भी लटक रहा है, तो पूरा का पूरा 10 kg स्टील से लटका हुआ है, ठीक है। तो 10 kg अगर वेट क्या है, मास है, तो फोर्स कितना होगा, 98 न्यूटन। भाई केजी है 10 kg, मतलब एम इंटू जी कितना हो जाएगा, 10 × 9.8, 98 न्यूटन। तो आप यहां यदि वैल्यू पुट करें तो देखिए क्या होगा, 98 × 1.5 बाई एरिया के जगह ये वैल्यू रख दे सुंदर सा, पाई इंटू 0.25 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर बाई 4 बाई 4, और क्या रह गया, गामा भी रह गया, नीचे लिखना है गामा को, तो इंटू 2 × 10⁻¹¹। इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर किताब में दिया हुआ है वही आएगा, मैच करा लेंगे, ठीक है। वापस आते हैं, ये तो डेल्टा एल स्टील निकाला हमने, यहां डेल्टा एल एस लिख देते हैं, डेल्टा एल स्टील निकाला, जगह ढूंढते हैं थोड़ा सा डेल्टा एल ब्रास निकालने के लिए। तो डेल्टा एल ब्रास यहां जगह दिख रहा है, देखिए, तो डेल्टा एल ब्रास के लिए भी आपको फॉर्मूला तो भाई साहब यही रहना है, गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल,
और यहां पे जो फोर्स लगेगा, ध्यान दीजिएगा कि ब्रास से तो सिर्फ 6 केजी लटका है, तो ब्रास से यदि सिर्फ 6 केजी लटका है तो मात्र 6 केजी के कारण फोर्स लगेगा, मतलब 6 × 9.8 लगेगा। तो फोर्स की जगह आप क्या लिख दीजिएगा, 6 × 9.8 इंटू लेंथ की वैल्यू 1 मीटर गिवन है, एरिया तो आपका वही है पाई इंटू 0.25 इंटू 10⁻²² का होल स्क्वायर, −2² बाई 4 इंटू वैल्यू कितनी गिवन है 0.91 इंटू 10⁻¹। 10⁻¹ इसको भी सॉल्व कर लेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू आ जाएगा। यहां पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये −4 लिख दिया था मैंने भावनाओं में बह के, इस −4 को आपको क्या कर लेना है, इस −4 को आपको −2 कर लेना है, ठीक है। बाकी जो है कैलकुलेशन आप अपने एंड से कर लेंगे, कैलकुलेशन सीखना जो है हमें यहां नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे लोडिंग का एक तरीका देखा जिसमें ऊपर वाले पे जो हम क्या लेंगे, ऊपर वाले पे जो हम फोर्स लेंगे वो दोनों लोड के कारण लेंगे, और नीचे वाले वायर पे जो फोर्स लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले लोड के कारण ही लेंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए होंगे कब, अपने बचपन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, मतलब 11वीं क्लास में शुरुआती दौर में, तो आपको ध्यान होगा कि हम वहां इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लिया, अब आगे बनेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, आगे जो भी वीडियोस में आते रहेंगे वो आते रहेंगे। धन्यवाद।